कोलकाता येथील महिला डॉक्टर व बलात्कार करून तिची निर्गुण हत्या करण्यात आली. या घटनेचा संपूर्ण देशात संताप व्यक्त करत असताना महाराष्ट्रातील बदलापूर येथील एका शाळेत दोन चिमुकल्या मुलींवर बलात्काराची संतापजनक घटना समोर आली. या घटनेच्या नंतर दुसऱ्या दिवशी कोल्हापूर येथे 10 वर्षीय मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. संपूर्ण महाराष्ट्रात गुन्हेगारांनी कळस गाठला आहे. मुख्यमंत्री व गृहमंत्री पूर्णतः निष्क्रिय झाले असून ते केवळ परत राज्यात सत्ता प्राप्त कशी करता येईल याकडेच लक्ष देत असल्याचा आरोप करीत आज शुक्रवारी घुग्गुस शहर अध्यक्ष राजू रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली व काँग्रेस महिला जिल्हा उपाध्यक्ष यास्मिन सय्यद यांच्या नेतृत्वाखाली घुग्गुसमध्ये डोळ्यावर काळ्या फिती बांधून व महाराष्ट्र शासन मुर्दाबादच्या घोषणा देत महिलांनी आपला संताप व्यक्त केला. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस राजीनामा द्या अशा घोषणा देण्यात आल्या. राज्यातील बलात्कार व वाढती गुन्हेगारीवर डोळे झाकपणा करणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाचा निषेध हे डोळ्यावर काळी फिती बांधून निषेध नोंदविला. यावेळी घुग्गुस पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक श्याम सोनटक्के यांना निवेदन दिले. सुबह ऐसी नहीं जाती जब हमें टीवी में मोबाइल में या अखबारों में न्यूज नहीं आती कि बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है, उनका सामूहिक बलात्कार करके उनकी हत्या की गई है. आज देश में इतना अपराध बढ़ गया है और अपराधियों के दिल से डर ही निकल गया है. ये डर निकलना बहुत खतरनाक है हमारे लिए. कलकत्ता में एक डॉक्टर लेडी ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इतना दर्दनाक रेप किया गया, उसके जिस्म के हड्डियां तोड़ दी गई, गले की हड्डियां तोड़ दी गई, आंख नोच दी गई, उसे रक्त में ऐसा छोड़ के चले गया गया. और वही नहीं, बदलापुर में एक 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल में दुष्कर्म किया गया. ये बात अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, ये माहौल ठंडा भी नहीं हुआ था कि कोल्हापुर में एक 10 साल की बच्ची का रेप करके हत्या कर दी गई है. ये कैसा माहौल हो गया है हमारे देश का, हमारे महाराष्ट्र का कैसा माहौल हो गया है. कितना दर्द, कितनी दरिंदगी भर गई है लोगों की सोच में, ऐसी विकृति भर गई है इनके दिमाग में कि 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची को भी हम बकस नहीं सकते. ऐसा माहौल अगर हमारे देश में रहेगा तो हम स्कूल में सुरक्षित है, हम कॉलेज में सुरक्षित है, हमारा तो बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा. हम औरत है तो ये हमारा गुनाह है क्या? अगर हम एक बार एक बलात्कारी को भर चौक में जिंदा जला देंगे ना, तो हमें कभी जिंदगी में कैंडल मार्च निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर हम बलात्कारी को भर चौक में जिंदा नहीं जला सकते ना, तो हमें हर साल रावण दहन करने की भी जरूरत नहीं है. ये ढोंग मत करो. इसीलिए हमारे देश के लिए, हमारे महाराष्ट्र के लिए ऐसा कानून ना औरतों के लिए कि हम सुरक्षित महसूस करें अपने आप को. हम आपको 1500 रुपए नहीं होना, हम आपको ऐसी योजना लाओ कि हमारी बच्चियां, हम, हमारे बहने, हम सब सुरक्षित हो. मेरा हमारे महाराष्ट्र से यही निवेदन है, अगर तुम ऐसा कानून नहीं ला सकते तो गृहमंत्री जी तुम अपना राजीनामा दो. पहले कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर को इतनी दुष्कर्म से मारा जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है. साथ में सोलापुर के एक 10 साल बच्ची के साथ में रेप किया जाता है. और उसके साथ साथ में महाराष्ट्र में जो गृहमंत्री है, जो विकास पुरुषों के माध्यम से चुने चुनके आए गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इसके बारे में अभी तक कुछ बोला नहीं. बदलापुर कार्रवाई गांव में महाराष्ट्र के थाने के जिले में मामला स्कूल में एक 23 साल का नामक व्यक्ति अक्षय शिंदे, जो वहां की साफ सफाई का काम करता है, जो 23 साल में ही उसने 3 शादी किया, ऐसा 3 शादी करने का कैरेक्टर वाले को स्कूल में किस तरीके रखा गया ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन 4 साल की बच्चे को, 2 बच्ची को साथ में वो दुष्कर्म करते गया है. मैं पूछना चाहता हूँ ईडी सरकार से कि आप लोग 1500 रुपये महिला के लाए. अरे 1500 रुपये महिला के लाने से अच्छा महिला के लिए कुछ अच्छी नया कानून लाना चाहिए, इस देश को बचाने के लिए कुछ नया कानून लाना चाहिए. सत्या बलात्काराच्या घटना खूपच मोठ्या प्रमाणात घडल्या. बदलापूर येथील एका नामांकित शाळेत 4 व 6 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार झाला. त्या बलात्काराची तक्रार करण्यासाठी त्या कुटुंबातले आई वडील पोलीस स्टेशनला गेले. तब्बल 13 तास त्यांची तक्रार घेण्यात आली नाही. त्यांची तक्रार घेण्यात आली नाही म्हणून तेथील पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले.
त्या पोलीस अधिकाऱ्यांची चूक नाही याच्यात. त्या पोलिसांवर कुणाचा दबाव होता, कुठल्या मंत्र्याचा दबाव होता का ते बेचारे पोलीसवाले 13 तास या घटनेची तक्रार घेऊ शकली नाही याची जाच झाली पाहिजे. तो कोणता भारतीय जनता पक्षाचा नेता आहे की कोणता शिंदे पक्षाचा नेता आहे, ज्याची ती शाळा आहे ज्या ठिकाणी ही बलात्काराची घटना झाली त्याला शिक्षा झाली पाहिजे.